क्या वाकई में पंजाब के इतने बुरे हालात हैं कि उसे कोई नहीं संवार सकता? जी हाँ, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला का तो कम से कम अब यही मानना है। पंजाब में मिली करारी हार के बाद लगातार नेता आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में सरकार चला पाना बड़ा चैलेंज मानकर चल रही है। इस बीच जींद में रणजीत चौटाला ने पंजाब के हालात को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। रणजीत चौटाला का दावा है कि पंजाब का सब कुछ बैंकों के पास गिरवी रखा हुआ है और वहां कर्मचारियों की सैलरी भी 2 महीने रोक के दी जाती है। इतना ही नहीं, वहां तो बिजली की भी कमी है जिसकी वजह से बड़े बड़े पावर कट लगते हैं। रणजीत चौटाला का तो यहां तक कहना है कि पंजाब के पास पैसा ही नहीं है। पढ़े लिखे हो, सब दुनिया को दिशा देते हो, फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन वर्ड का मीनिंग समझते हैं ना, कि आपकी जेब में अगर 50 रुपए हो तो आप मस्जिद कार किराए करके बैठेंगे क्या? आप बिठाएगा क्या कोई गाड़ी में? जब पंजाब में पैसा नहीं, पंजाब में हालात ये हैं कि जितने पुरानी बिल्डिंगें हैं, चाहे वो रेस्ट हाउस है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज पढ़ा है, उन सबको गिरवी बैंकों में रख के फिर तनख्वाह दी जा रही है। पंजाब में तनख्वाह 2-2 महीने दी जा रही है। ये हालात है पंजाब में। पंजाब में पावर कट रहा है 3-3 दिन इंडस्ट्री का, आपने पिछले साल देखा। पंजाब के ऐसे हालात हैं वहाँ, जब आपको CRP ICF जब बुलवानी पड़ती है ना, तो वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, वो तो ज़रूर भेजेंगे। देखिए आप ये समझें, आपको एक नई बात बता रहा हूँ। पिछले बार हमारे 12,120 मेगावाट की थी जब पीक पे था, और एक दिन भी पंजाब में 3 दिन बिजली कट गए। दफ्तर जो बिजली के थे उनमें वहाँ 3-3 घंटे कट लगते थे, मतलब टाइम कम कर दिया था, क्या 7 से 12 कर दिया। वो दफ्तर 4 बजे तक नहीं चलते थे, 2 बजे तक नहीं चलते थे। हमारे यहाँ कभी एक दिन भी ऐसा नहीं, कभी सड़कों पे रोक नहीं है। बता दें कि पिछली बार पिछले चुनाव में बीजेपी ने पंजाब में अपने दम पर चुनाव लड़ा, मगर फिर भी जीत हासिल नहीं कर सकी, और आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें हासिल कर एक तरफा जीत दर्ज कर दी। ऐसे में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी लगातार यही कहती दिखाई दे रही है कि आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में सरकार चलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां ना तो पैसा है और ना ही किसी राष्ट्रीय पार्टी की सरकार। बहरहाल देखना होगा कि जींद की जाट धर्मशाला में रणजीत चौटाला द्वारा कही गई ये बातें आगे चलकर कितनी सही साबित होती हैं। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।